हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आवाज आ रही है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कुछ आवाज की दिक्कत आ रही है इसमें यार। तो देखते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी क्लास में। माय नेम इज अब आवाज में क्या हो गया? आवाज ठीक आ रही? मेरे तो सुनिए। ऑल ओके आप लोग बोल रहे हैं? चलो देखते हैं फिर। सो गाइस, आज डेट 26 अक्टूबर और हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, हम आप सारी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। कुछ गड़बड़ हुई आवाज में, क्या यार, क्या हुआ है इसमें? चलिए, आप लोग बोल रहे ठीक है तो मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक लग नहीं रहा था आवाज। ठीक है, चलिए। सो गाइस, आज के पास हम आज हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देखते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं कैसे? तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने मोटिवेशनल कोट के साथ दोस्तों। तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो क्या है दोस्तों? लिखा है, डोंट लुक फॉर मोटिवेशन, फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई, देन नो एक्सक्यूजेस विल कम बिटवीन द यू एंड योर गोल्स। इसका मतलब दोस्तों कि मोटिवेशन हमें ढूंढना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली में हमारा रीजन क्यों, क्यों का मतलब यहां पे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तैयारी की, तो हमारा रीजन क्यों है इसके लिए? यार आवाज का इशू। ठीक है, चलो।
ठीक है, मैं फाइनेंस शुरू ही करता हूँ यार। हाँ ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, आपके मोटिवेशन कोट की बात हम दोस्तों कर रहे थे। यहाँ पे हमने पॉइंट क्या रखा, हमने पॉइंट रखा कि डोंट लुक फॉर मोटिवेशन, फाइंड योर वे व्हाई, देन न्यू एक्सक्यूजेस विल कम बिटवीन यू एंड योर गोल। दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें ढूंढना पड़ेगा क्यों शब्द। क्यों का बेटा मतलब होता है कि हमने तैयारी क्यों शुरू की, हमने क्या सोचा था क्यों, मतलब व्हाट इज द गोल बिहाइंड इट। शायद गाइस हमें गवर्नमेंट जॉब करनी थी, जो गवर्नमेंट जॉब हमें करनी है ये हमारा मेन रीजन है दोस्तों। और अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो क्या इसके पीछे ड्रॉबैक हो सकते हैं, हमें यह समझना है गाइस। ये क्यों शब्द बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और अगर हमें अपने क्यों का मालूम चल गया ना कि हमने क्यों ये शुरू किया था, तो शायद हमारे लिए कोई एक्सेस बचेगा ही नहीं जो हमारे गोल्स से अचीव करने के लिए। तो इस क्यों शब्द को बेटा हमेशा समझिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों चूज किया है और क्यों आपको जॉब क्रैक करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हमेशा अपने क्यों को अपने पास रखिए कि वाई आपने ये काम शुरू किया था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना सेशन, और हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है देखते हैं दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन में गाइज हम लोग क्या बात करेंगे, तो आज हमारे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है उसका नाम है दोस्तों क्या, अपॉइंटमेंट इन रिजाइन गाइज। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन पहली आने वाली गाइज, तो पहली इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे, देखिए महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। हाँ ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लेस। ठीक, तो एमएसडी को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया लेस का। लेस दोस्तों एक चिप्स कंपनी है जो आती है अंडर द पेप्सिको। पेप्सिको दोस्तों जानते हैं ना, पेप्सिको एक बड़ी कंपनी है, ये पेप्सी थम्सअप ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो लेस जो ब्रांड आपका है वो पेप्सिको कंपनी का बेटा है, तो उसी में बात हम कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है लेस कंपनी का गाइस। ठीक है, आइए देखिए, अब मेरे ख्याल से आवाज ठीक आ रही है, कुछ बोल नहीं है तो आवाज ठीक आ रही होगी, लेकिन मेरे साइड से आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपके साइड से ठीक आ रही है, आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दोस्तों, तो महेंद्र सिंह धोनी ये अपॉइंट हुए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लेस कंपनी। लेस कंपनी जो लेस एक ब्रांड है दोस्तों जो अंडर द पेप्सिको कंपनी में आता है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है गाइस। ठीक है, तो यहां से गाइस हम लोग बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। देखिए, तो रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप देखिए लास्ट से, तो मोहम्मद शामी दोस्तों ये अपॉइंट हुए थे पुमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। एमएसडी एक बार फिर जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। रविंद्र जडेजा हिसेंस के। कैटरीना कैफ यूनिक्लो कंपनी के दोस्तों। ऋतिक रोशन मोबिल ब्रांड के गाइस। अनुष्का शर्मा डब्ल्यू कंपनी दोस्तों। तो ये सब गाइस हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये गाइज हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको समझा दिया। महेंद्र सिंह धोनी ये बने ब्रांड एम्बेसडर लेस कंपनी के। ठीक है, तो ये पहली इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और गाइज बात करेंगे आज की हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आईएसबी प्रोफेसर, आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के प्रोफेसर हैं सारंग देव। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया WHO ने ऑन इट्स टीबी एडवाइजरी ग्रुप दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है दोस्तों, WHO गाइस इसने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि WHO को एडवाइस करता है ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, यानी ट्यूबरक्लोसिस कैसे हम खत्म करें, कौन से मेजर हम लेने चाहिए। तो बेटा इस ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो आईएसबी प्रोफेसर यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के प्रोफेसर सारंग देव दोस्तों, इन्हें WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में शामिल किया दोस्तों। यानी बेटा इनका काम होगा मतलब WHO को सलाह देना ऑन द ट्यूबरक्लोसिस। ये अकेले नहीं है, ये पूरा ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास, देखिए तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, देखिए तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर दोस्तों सारंग देव। ये पॉइंट हुए हैं स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ट्यूबरक्लोसिस बाय द WHO दोस्तों। हाँ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ये बेटा जो ग्रुप है ये WHO को ट्यूबरक्लोसिस के लिए सलाह देता है। तो उस ग्रुप में एज ए मेंबर इन्हें अपॉइंट किया गया है। नाम क्या है, सारंग देव। ये प्रोफेसर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में।
ठीक है, तो ये हमारी आज की दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों है। ठीक है, तो ये हमारी एक इंफॉर्मेशन यहां पर है जो हमने कंप्लीट कराया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग और अब बात करते हैं रिसेंट इंडियन ओरिजिन अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे नेहर मालविया ये बने थे सीईओ ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस, होना चाहिए यहां पे, पूरा लिखा नहीं है, सीईओ ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस। दोस्तों जतिन दलाल ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए थे कॉग्निजेंट कंपनी में दोस्तों। ठीक, सैमसंग एंड एप्पल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी दोस्तों ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ द गूगल, इंडियन पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल डॉक्टर मिनेश शाह ये अपॉइंट हुए इलेक्ट टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन दोस्तों, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। तो सो गाइस यहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल का अपॉइंटमेंट, अब चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, तो ये हमारी आज की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको पढ़ाई बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गाइस हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी को लेकर होगी, यानी गाइस दो इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक। पहली इन्फॉर्मेशन महेंद्र सिंह धोनी ये अपॉइंट है ब्रांड एम्बेसडर लेस कंपनी के। दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर सारंगदेव जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में बेटा प्रोफेसर है, इन्हें दोस्तों WHO ने अपने टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हमको पता है दोस्तों, तो दो इन्फॉर्मेशन की बात की हमने आपसे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी दोस्तों। पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इंडिया टू सरपास जापान टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय द 2030। ये किसने बोला है, S&P ने बोला है दोस्तों। स्टैंडर्ड एंड पुअर गाइस ये पूरे दुनिया की एक बड़ी एक कंपनी है दोस्तों, S&P आपने नाम सुना भी कई बार होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया टू सरपास जापान टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030, ये किसने बोला है, S&P ग्लोबल ने बोला है दोस्तों। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए गाइस क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल, ठीक है, इसने क्या बोला कि इंडिया इज पॉइज्ड टू सरपास जापान टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030, यानी 2030 तक भारत जो है वो जापान को पीछे करके एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। 2030 तक भारत जापान को छोड़ के पीछे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहना S&P का, दुनिया नहीं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके पीछे तर्क क्या है वो देखते हैं बेटा, इसके पीछे क्या तर्क है, तो क्या बोला गया, इंडिया की नॉमिनल GDP इज फोरकास्ट टू राइज फ्रॉम द $3.5 trillion इन 2022 टू $7.3 trillion बाई 2030। इन्होंने बेटा क्या बोला है कि 2022 में भारत की इकोनॉमी थी $3.5 trillion जो 2030 तक $7.3 trillion होने की उम्मीद है। और क्या बोला गया, वाइल जापान नॉमिनल GDP इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रिलेटिवली फ्लैट एट राउंड ऑफ $5 trillion दोस्तों। ठीक है, तो यहां इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 2022 में भारत की जो GDP है दोस्तों ये $3.5 trillion की थी जो 2030 तक $7.3 trillion की हो जाएगी, वहीं जापान की इकॉनमी 2030 तक $5 trillion की रहेगी, ये कहना बेटा किसका, S&P का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए और क्या बोला गया, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is expected to grow 6.2 to 6.3% in the fiscal year ending the March 24, being the fastest growing major economy in this fiscal year दोस्तों। तो बेटा क्या बोला गया, तो इन्होंने बोला कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 2024 तक 6.2 से लेके 6.3% बढ़ रही है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और मेजर कंट्रीज में गाइस जो बड़े देश हैं उसमें हम बात करें गाइस तब भी भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो ये बात यहां पे हो रही है। ठीक है, और क्या बोला गया, देखिए दोस्तों और कुछ बोला गया, द US एट प्रेजेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विथ अ GDP ऑफ द $25.5 trillion। ठीक है, और US इस समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी दोस्तों, यहां की GDP है $25.5 trillion की, तो यहां पे इंफॉर्मेशन आई थिंक खत्म हो जाएगी। तो एक इंफॉर्मेशन गाइस आपने देखा, अगर आपको फिर से पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, फिर देख लीजिए दोस्तों यहां पे क्या हम बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बोला है कि 2030 तक भारत जापान को छोड़ देगा पीछे और भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा,
अब ये क्यों बोल रहे गाइस उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ये तो वही चीज है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल भारत जो है ये जापान को छोड़ देगा पीछे 2030 में, और भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहे हैं बेटा, तो ये बोल रहे हैं कि 2022 में भारत की GDP है $3.5 trillion जो कि 2030 में हो जाएगी $7.3 trillion। वहीं गाइस जापान की बात करें तो जापान की जो इकोनॉमी है गाइस वो कितनी रहेगी $5 trillion की। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया था। दूसरा बेटा मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब मार्च 24 तक, दोस्तों मार्च 24 तक बेटा भारत की जो ग्रोथ रेट है वो है 6.2 से 6.3% जो कि सबसे ज्यादा है मेजर कंट्रीज, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भारत की रहेगी पूरे बड़े देशों में, तो इसलिए बात हो रही है। और क्या बोला गया कि राइट नाउ USA दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है जिसका जो GDP है बेटा $25.5 trillion है। तो ये पॉइंट हमारे पास था। सो गाइज यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी दोस्तों, जो हमने बात किया पहली इंफॉर्मेशन बैंकिंग फाइनेंस और इकॉनमी की। आई होप गाइज कि आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। हम आगे बढ़े गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्लियर, एक बार दोस्तों आप लोग प्लस वन कर दीजिएगा हाँ सर क्लियर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे आज की अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन पे। आज की हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों, ठीक है चलिए, तो आज की हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा क्या है, क्या बोला गया है, NBBP लॉन्चेस B2B सर्विसेस, ठीक, पार्टनर विद द एक्सिस बैंक दोस्तों। हाँ, तो NBBP बेटा है क्या दोस्तों, हाँ, और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं B2B दोस्तों, तो यहां B2B का मतलब बेटा होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस गाइस। अब क्या इस पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़ना है मेरी बात, हाँ देखो गाइस यहां बेटा क्या बात हो रही है, तो NPCI का बेटा क्या है, भारत बिल पे, NPCI का भारत बिल पे लिमिटेड हैज पार्टनर विद द एक्सिस बैंक दोस्तों। हाँ गाइस देखिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, NPCI का भारत बिल पे दोस्तों, देखिए गाइस ये एक्चुअली क्या है, पहले ये गाइस ये नाम आज का नया नाम है, पहले बेटा इसका नाम क्या था, इसका नाम था भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम दोस्तों। ये NPCI का अपना एक प्रोडक्ट है गाइस, फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे गाइस आज के टाइम पर आप लोग UPI यूज करते हैं दोस्तों, आपके UPI में बेटा आज के टाइम पे ऑप्शन आता है बिजली बिल का दोस्तों, गैस बिल का, यानी मोबाइल रिचार्ज का दोस्तों, यानी गाइस अपने UPI से आप अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो दोस्तों, चाहे वो आपका गैस बिल हो बिजली बिल हो, ऐसे ऐसा ना दोस्तों। तो बेटा NPCI ने इसी के लिए बेटा एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था भारत बिल पेमेंट सिस्टम गाइस। इसका बेटा मतलब क्या था कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने आप सेविंग अकाउंट से अटैच कर लीजिए और जितने भी बिल होते हैं दोस्तों आप सारे बिल का पेमेंट एक प्लेस पे कर सकते हैं। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम दोस्तों ये NPCI का प्रोडक्ट था, एक एप्लीकेशन था जिसके थ्रू आप अपने सारे बिलों का भुगतान कर सकते हैं दोस्तों। बाद में गाइस इसका नाम क्या हो गया, NPCI भारत बिल पे दोस्तों। ठीक है, तो भारत बिल पे बेटा क्या है, ये एक तरह का बेटा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो NPCI भारत बिल पे पहला पॉइंट दोस्तों। और क्या बोला गया, तो बेटा इसने पार्टनरशिप किया विद एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इसने पार्टनरशिप किया विद एक्सिस बैंक टू लॉन्च इट सर्विसेज अंडर द बिजनेस टू बिजनेस गाइस। ठीक, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए लिखा क्या है, लिखा क्या है, कैटेगरी टू प्रोवाइड बिजनेस वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक फ्लेक्सिबल इनवाइस प्रेजेंटेशन, कंप्लेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एटसेट्रा दोस्तों। ठीक, तो जो डेफिनेशन वहां पर लिखी है तो ये थोड़ी टफ है, हमें इसको सिंपल सी अपनी भाषा में समझना पड़ेगा, फिर मेरी बात समझिए बेटा। पहले तो आप समझिए ये है क्या दोस्तों, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, ये बेटा प्रॉपर आज एक कंपनी की तरह काम करता है। पहले बेटा इसका नाम क्या था, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये गाइस एक प्लेटफॉर्म है आपके सारे बिल्स का पेमेंट करने के लिए। ठीक, अब क्या नाम इसका है, NPCI भारत बिल पे नाम इसका बेटा। ठीक है, इसने एक्सिस बैंक से एग्रीमेंट किया है और लॉन्च किया है B2B बिजनेस पेमेंट मॉडल दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस बेटा मतलब इसका क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग की कंपनी कार कंपनी है, आप बेटा बनाते हो कार बनाते हो आप, और इसमें मेरी टायर कंपनी है,
और मेरा आपसे डील है दोस्तों, मैं आपको टायर सप्लाई करता हूं, तो ये टायर बेटा आप गाड़ी में लगाते हो, तो आप भी हैं बेटा बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तो बी टू बी सेम बोलते हैं, समझे बेटा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, बेटा मैं बनाता हूं ट्रांसफार्मर और बेटा आप बनाते हैं तारपीन का तेल। आपको बताना गाइस कि ट्रांसफार्मर में तारपीन तेल बेटा पड़ता है, तो आप वो मुझे प्रोवाइड करते हो बेटा। ये भी क्या बेटा, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल दोस्तों, यानी कंज्यूमर की बात यहां पे नहीं हो रही है, यहां पर दो बिजनेसमैन की बात बेटा हो रही है। तो बेटा बी टू बी सेम बोलते हैं। तो एनपीसीआई भारत बिल पे और एक्सिस बैंक, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है और बी टू बी बिजनेस मॉडल बेटा लॉन्च किया है। इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों हुआ, यानी गाइस जरा सोचिए कि ये बिल्स पेमेंट के लिए ही बना है दोस्तों। सो गाइस पहले क्या बेटा काम होता था, पहले फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए मैं क्या हूं, मैं टायर कंपनी हूं गाइस, आप एक कार कंपनी है बेटा। जब मैंने आपको टायर सप्लाई किया दोस्तों, तो मैं आपको एक बिल दूंगा दोस्तों, ये पेमेंट हमें करना है। आप बोलेंगे कुछ दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे। सो गाइस ये लेखा जोखा कौन मेंटेन करेगा, ये लेखा जोखा कौन बेटा मेंटेन करेगा। तो अब दोस्तों एनपीसीआई ने अपना प्लेटफॉर्म ला दिया, उसका बेटा एप्लीकेशन आपके पास भी मेरे पास भी बेटा। अब दोस्तों मुझे आपके पास आना नहीं, मैं बेटा ऑनलाइन ही करूंगा, अपना बिल आपके पास भेज दूंगा, वो बिल आपके रिकॉर्ड में हो जाएगा दोस्तों, और आप जो पेमेंट करेंगे बेटा वो भी ऑनलाइन बेटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जो एनपीसीआई भारत बिल पे है बेटा, ये बिजनेस मॉडल को हेल्प करेगा कि आपको बार बार अपना इनवॉइस नहीं पे करना, बिल नहीं दिखाना है, हमारे छोड़ दो हमारे ऊपर, क्या बिल जनरेट हो रहा है आपका, ये कहां पहुंच रहा है, पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई कंप्लेन है हम कंप्लेन देख लेंगे, कोई इंफॉर्मेशन है वो हम दे देंगे। तो मतलब इस बीच में थर्ड पर्सन आ जाएगा जो दोनों कंपनी के बेटा पेमेंट को संभालेगा, कब पेमेंट होना है गाइस, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कितने बिल बचे हुए हैं, तो एक थर्ड पर्सन आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, यही बात वही हो रही दोस्तों। तो एनपीसीआई भारत बिल पे काम करने वाला है एक्सिस बैंक। तो एनपीसीआई भारत बिल पे और एक्सिस बैंक, इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया दोस्तों, और क्या लॉन्च किया है, बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट मॉडल, ये आपके सामने है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्लियर दोस्तों। एक बार प्लस वन कर देना कि हाँ सर क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। इट इज वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इसे याद करना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन इन द बैंकिंग फाइनेंस सेगमेंट गाइस, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक दोस्तों, हाँ तो बेटा एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी जी, और बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ द एक्सिस बैंक दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यहाँ पे रिविजन पॉइंट की दोस्तों, हाँ रिविजन पॉइंट गाइस। तो दोस्तों रिविजन पॉइंट में हमारे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एक्सिस बैंक ने दोस्तों और फाइव ने आपस में पार्टनरशिप किया था टू लॉन्च इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। मैंने पढ़ाया बेटा आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक्सिस बैंक हैज अनवील्ड इट्स क्रेडिट कार्ड कैंपेन, नाम क्या था बेटा, ओपन एक्सपीरियंस दोस्तों। तो बेटा एक्सिस बैंक ने आपके लिए अपना एक एग्जीबिशन लगाया था क्रेडिट कार्ड का, नाम क्या था बेटा इसका, ओपन एक्सपीरियंस। मतलब गाइस यहां पर एक्सिस बैंक के जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, आप देख लो आपको सूट करता है उसे खरीद लो आप दोस्तों। इससे बड़ा नाम क्या था, ओपन एक्सपीरियंस, ये भी हमने पढ़ाया था आपको दोस्तों। और देखिए गाइस, देखिए एक्सिस बैंक हैज पार्टनरशिप विद द कंफर्मेशन, अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट बैलेंस कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म दोस्तों। देखिए गाइस इसका बेटा मतलब होता है कि हर बैंकों को अपना ऑडिट कराना पड़ता है बेटा। तो गाइस एक्सिस बैंक ने कंफर्मेशन नाम की ऑडिट कंपनी से एग्रीमेंट किया कि आप ऑनलाइन ही हमारा जो है ऑडिट कर दीजिएगा। तो एक्सिस बैंक और कंफर्मेशन, ये भी हमने आपको पढ़ाया है गाइस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके रिविजन पॉइंट है जो आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज की अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थ्री दोस्तों, ठीक है। यहां पर हम क्या बात करेंगे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, हाँ ईआईबी गाइस। तो ईआईबी डेलीगेट्स एग्जामिन द आगरा कानपुर एंड लखनऊ मेट्रो कंस्ट्रक्शन दोस्तों, हाँ ठीक है। तो बेटा क्या यहां पर लिखा गया कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के डेलीगेट दोस्तों हैं, ये उत्तर प्रदेश आए थे, आगरा कानपुर और दोस्तों लखनऊ, यहां के मेट्रो की देखरेख वो करने के लिए, मतलब एग्जामिन मतलब क्या हुआ, मतलब की जांच करने के लिए दोस्तों, ठीक। कहां बेटा, आगरा कानपुर और लखनऊ मेट्रो निर्माण की जांच करने के लिए दोस्तों। क्यों बेटा, भाई सिंपल सी बात है, इन्होंने बेटा इसमें पैसे लगाए हुए हैं, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहां पैसे बेटा लगाए हुए हैं। तो जो इंसान ने पैसे दिया है
वो दिखेगा ना भाई कि हमारा पैसा सही जगह पे यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, देखें यहाँ पे। तो बेटा क्या है हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने, देखिए दोस्तों हम बेटा क्या बोल रहे हैं। देखिए, अ थ्री मेंबर डेलीगेशन फ्रॉम द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, अ थ्री मेंबर डेलीगेशन फ्रॉम द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, एग्जामिन द मेट्रो रेल वर्क इन द आगरा, कानपुर एंड द लखनऊ विच आर बींग कंस्ट्रक्टेड अंडर द उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दोस्तों। ठीक है, तो बेटा यहां क्या बोल रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर में तीन मेट्रो हैं बेटा, लखनऊ में है, आगरा में है, कानपुर में, जो अभी बन रहे हैं, बन रहे हैं, मतलब जो ट्रैक बन रहेगा इस मेट्रो जोड़े की। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट के बेटा 3% जो थे, डेलीगेशन ग्रुप था, ये भारत में आए थे इन तीनों मेट्रो की जांच करने के लिए। ठीक है, अब ये बेटा क्या पूरी इंफॉर्मेशन देखिए। तो फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट गाइस, देखिए दोस्तों, तो मैंने क्या बोला था कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन तीनों में पैसे लगाया बेटा, कितने लगाया बेटा देखिए। देखो बेटा, आगरा मेट्रो में 450 मिलियन यूरो, कानपुर मेट्रो में 650 मिलियन यूरो और लखनऊ मेट्रो में 450 मिलियन यूरो दोस्तों। तो इतना पैसा बेटा इन्होंने लोन दिया हुआ है हमारी यूपी गवर्नमेंट को टू कंस्ट्रक्ट मेट्रो रूट्स एंड द ट्रैक दोस्तों। हाँ, तो ये पॉइंट हमारे सामने, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के एक डेलीगेशन टीम जिसमें तीन मेंबर है, ये उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर और लखनऊ मेट्रो की जांच करने के लिए आए थे दोस्तों। क्यों बेटा आए थे? क्योंकि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन तीनों प्रोजेक्ट में पैसे लगाए बेटा। कितने लगाए हैं वो के सामने, आगरा मेट्रो में 450 मिलियन यूरो, कानपुर में 650 मिलियन यूरो और लखनऊ में फिर से 450 मिलियन यूरो आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन देख लो भाई, लो बताओ मेरे को। ठीक, आप प्लस वन करो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा कि इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे अंदर, क्योंकि मेरे लैपटॉप में वॉल्यूम का इश्यू दिखा रहा है। आप लोग बोल लो ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सो गाइस, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन है जो हमने आपको दे दी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का कहां पे हेडक्वार्टर है? तो लग्जमबर्ग यूरोप में दोस्तों इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे सामने है दोस्तों। भाई लोग आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। गाइस, कुछ दिन पहले की बात है, हमने आपको पढ़ाया था कि गूगल इंडिया ने बेटा हमारे देश में जो ये फिनटेक फाइनेंशियल मतलब फ्रॉड है, इसको रोकने के लिए क्या लॉन्च किया था? डीजी कवच दोस्तों। अब देखिए बेटा क्या बोला गया है, तो गूगल पार्टनर्स विद द फेस बेटा। हाँ, तो बेटा गूगल ने पार्टनरशिप किया फेस के साथ टू टेक डाउन इलीगल लोन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर इंडिया दोस्तों। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो इलीगल कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं, तो बेटा उनकी एप्लीकेशन कहां पर है? प्ले स्टोर में तो है, और बेटा प्ले स्टोर से बेटा गूगल का है दोस्तों। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गूगल टू कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म से ये इलीगल एप्लीकेशन हटाओ ना, अगर इलीगल चीजें हैं तो आप उसे हटाइए। तो वही बात बेटा हो रही है। तो बेटा गूगल ने क्या किया है, फेस FSE फेस इनसे पार्टनरशिप किया है टू टेक डाउन द इलीगल लोन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर इंडिया। अच्छा, आप बोलेंगे सर कि ये फेस क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये वाकई सच्चाई है कि गूगल के प्ले स्टोर पर इलीगल एप्लीकेशन है दोस्तों, लेकिन गाइस गूगल के लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है। आप किसी एप्लीकेशन को कैसे इलीगल मान सकते हैं जब तक दोस्तों रिव्यू में कमेंट ना आए या कस्टमर कंप्लेन ना करे दोस्तों? तो बेटा इसके लिए हमारे देश में फेस काम करता है बेटा, ये हमारे देश में काम करता है बेटा। तो बेटा फेस जो है ये हमारे देश में बैंकों, फाइनेंशियल कंपनीज और कस्टमर, इनके बेटा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है। अगर कोई इलीगल केस बेटा होता है तो इनके पास केस बेटा आ जाता है, और जब बेटा इनके पास केस आ जाएगा तो गूगल को बेटा दिखा पाते हैं प्रूफ साथ कि यार ये आपका एप्लीकेशन जो है वो इलीगल है, तो गूगल बेटा उसको हटाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इनके साथ बेटा टाई अप हुआ है, तो गूगल ने फेस के साथ टाई अप किया है ताकि आप हमको बताओ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से लीगल लोन एप्लीकेशन है जिसको हम हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, आइए पूरी बात करते हैं आपसे। देखिए दोस्तों, तो क्या बेटा पूरी बात देखिए यहां पे, भैया क्या बेटा बोला गया कि गूगल ने बेटा पार्टनरशिप किया है विद द फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस दोस्तों। ठीक, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस दोनों बोलना। ठीक है,
तो बेटा क्या बोले, गूगल ने बेटा फेस एग्रीमेंट किया टू टेक डाउन द लीगल डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर इंडिया, जो भारत में इलीगल लोन एप्लीकेशन कंपनी काम कर रही है दोस्तों, तो उनको बेटा हटाना अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, चाहे आगे बढ़ते हैं भाई, फिर क्या बोला गया देखिए दोस्तों, तो दिस पार्टनरशिप वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट हेल्ड इन द न्यू दिल्ली गाइस। तो बेटा इसको भी आपको अलग से याद करना पड़ेगा, नोवा एडिशन दोस्तों, एनुअल गूगल फॉर इंडिया, ये कहां पर बेटा, दिल्ली में हुआ। 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया एक इवेंट दोस्तों दिल्ली में हो रहा था, तो वहां बेटा ये पार्टनरशिप हुई गाइस। अच्छा आगे देखिए और क्या बेटा बोला गया, देखिए, मोर देन 700 क्वेश्चनेबल एप्लीकेशन हैव बीन रिपोर्टेड बाय द फेस टू ऐप रिटेलर्स रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज इन द पास्ट 15 मंथ दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये हुआ कि फेस ने हमारे देश में जो हमारे कस्टमर हैं और गवर्नमेंट हैं, इनको पिछले 15 महीनों में 700 इलीगल ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और ये 700 एप्लीकेशन गूगल ने बेटा हटा भी दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। तो मतलब ये फेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि फेस कितना सही काम इंडिया में कर रहा है, तो ये फेस के बारे में इंफॉर्मेशन गाइस है। ठीक है, और बेटा क्या बोला गया देखिए यहां पे, बस कुछ नहीं है। तो यहां पे दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लीजिए आप इंफॉर्मेशन। ठीक, तो बेटा गूगल ने पार्टनरशिप किया विद द फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसे हम फेस बोल रहे हैं बेटा। तो बेटा फेस का काम क्या है समझ ले दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो बेटा फेस काम क्या है, ये हमारे देश में बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और कंज्यूमर, इन तीनों के साथ बेटा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखता है कि किस एप्लीकेशन से कहां पर कंप्लेन आई दोस्तों। क्यों बेटा, क्योंकि दोस्तों अगर एक कंज्यूमर है गाइस, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ, तो पहले अपने बैंक भागता है और वो अब ये इंफॉर्मेशन बैंक को देता है बेटा। ठीक है भाई, कंज्यूमर को नहीं पता फेस क्या है गाइस। ईमानदारी से मैंने कल नाम सुना फेस का। अगर फॉर एग्जाम्पल कल से पहले बेटा मेरे पास कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो मुझे फेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बैंक के बारे में पता है, तो जब भी बेटा एक कस्टमर का फ्रॉड होता है वो बैंक भागता है अपने, तो ये इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है बेटा। हाँ कुछ लोग होंगे जिन्हें फेस के बारे में पता है, तो वो सीधे फेस से अपना कंप्लेन कर रहे होंगे दोस्तों। तो कंज्यूमर ने जो कंप्लेन किया बेटा या बैंक ने किया, ये सारी इंफॉर्मेशन फेस अपने पास रखता है बेटा, और ये हमारी गवर्नमेंट को और गूगल को दिखाता है कि वो ये एप्लीकेशन गलत कर रहे हैं देश में। तो क्या बोला गया था कि पिछले 15 महीनों में करीब 700 एप्लीकेशन को मतलब ये रिपोर्ट किया गया है और वो हटाया गया है दोस्तों। ठीक है, सो गाइस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, गूगल ने फेस से बड़ा एग्रीमेंट किया टू टेक डाउन द लीगल डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, और फिर बेटा क्या बोला गया, ये पार्टनरशिप बेटा कहां पर हुई है, तो 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया मीटिंग इन दिल्ली, वहां पे दोस्तों ये पार्टनरशिप हुई है। और जबकि सब क्लियर है, नहीं देखो मतलब क्या मैं बोलता हूं, कोई इंसान यहां पे हीरो थोड़ी ना है, हर इंसान में कमियां होती हैं बेटा। हमने कल सुना इसके बारे में और सुना, और आपसे हम ये कर बात कर रहे हैं कि भाई सुना, हमने कल सुना, इसमें कोई खराब बात थोड़ी ना, हर इंसान यहां सीखता है दोस्तों, लर्निंग कोई एज थोड़ी ना होती है ना दोस्तों। चलिए, तो यहां पे गाइस हमने एक इंफॉर्मेशन आपके लिए खत्म कर दी, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। तो गाइस बैंकिंग फाइनेंस खत्म हमारे पास, एक काम करते हैं फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत लेट में आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक दोस्तों, तो अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ लिया वो देख लीजिए दोस्तों। पहली इंफॉर्मेशन बेटा हमने क्या पढ़ी कि महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लेस। लेस बेटा एक चिप्स ब्रांड है अंडर द पेप्सिको, वही लिखा है। हाँ देखो बेटा, महेंद्र सिंह धोनी ये अपॉइंट हुए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लेस पेप्सिको। आज की हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के प्रोफेसर है सारंग देव, इन्हें बेटा WTO ने अपने एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया है, जो कि एडवाइस करती है WTO को ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, उसमें एज अ मेंबर दोस्तों। हाँ देखिए बेटा पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर है सारंग देव, इन्हें दोस्तों WHO ने बेटा अपॉइंट किया है अपने स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, उसमें एज ए मेंबर अपॉइंट किया है। तो ये हमारी बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन थी। फिर गाइस हमने क्या पढ़ा यहां पे, हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्या बोला है कि 2030 तक भारत जो है ये जापान को छोड़ देगा पीछे और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसा बेटा क्यों बोला गया, तो इन्फॉर्मेशन बेटा क्या है यहां पे देखिए कि 2022 में भारत की इकोनॉमी थी $3.5 trillion, जो कि 2030 में $7.3 trillion हो जाएगी, जबकि जापान की $5 trillion ही रहेगी। फिर बेटा क्या बोला गया,
कि 31 मार्च 24 तक भारत की यूथ रेट 6.2 से 6.3% रहेगी, जो कि पूरे दुनिया में बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रहेगी बेटा। ठीक है, फिर क्या बेटा क्या बोला गया? फिर बोला गया यूएसए इस समय हमारे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है विद 25.5 ट्रिलियन डॉलर। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हमने पढ़ा है बेटा। ठीक है, आज की हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो एनपीसीआई का भारत बिल पे लिमिटेड कंपनी जो है दोस्तों, हाँ ये, और एक्सिस बैंक, इन्होंने आपस में टाई अप किया है फॉर द बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट मॉडल के लिए दोस्तों। ये हमारी आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पढ़ा दिया, एनपीसीआई भारत बिल पे और एक्सिस बैंक दोस्तों फॉर द बिजनेस टू बिजनेस। तो एक पॉइंट हमारे पास ये गाइस दोस्तों। तीसरी इन्फॉर्मेशन बेटा क्या है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का एक डेलीगेशन जिसमें 3 मेंबर हैं, ये भारत यूपी दोस्तों आए थे टू एग्जामिन द आगरा कानपुर और लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इतना ही पढ़ना है सबको। तो फिर ये कि क्यों बेटा आए थे, तो मैंने बताया कि इन्होंने पेमेंट किया है भाई, इन्होंने आगरा और लखनऊ मेट्रो में 450 मिलियन यूरो और बेटा कानपुर के लिए 650 मिलियन यूरो बेटा लोन दिया है दोस्तों। दैट्स व्हाई यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का कहां पे हेडक्वार्टर है बेटा, तो आंसर इज लग्जमबर्ग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने क्या बात की भाई, सेम गूगल ने बेटा पार्टनरशिप किया विद द फेस कि भारत में जो भी इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको प्ले स्टोर से बेटा बाहर करना। तो फेस का बेटा मतलब क्या है, फेस का मतलब, तो बेटा फेस का मतलब है यहां पर फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस। तो फेस और बेटा गूगल इनके बीच में टाई अप हुआ है दोस्तों। ये बेटा कहां पर हुआ है, तो 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया मीटिंग जो कि दिल्ली में हो रहा था। और फिर क्या बोला गया, मोर देन 700 क्वेश्चनेबल एप्लीकेशन हैव बीन रिपोर्टेड बाय द फेस टू द कस्टमर, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द गूगल। ये पॉइंट है दोस्तों। तो यहां पे गाइस हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहां तक पढ़ा दी बेटा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एग्रीमेंट और एमओयूज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्रीमेंट और एमओयूज में आज हम बात करने वाले हैं एविएशन इंजीनियरिंग की दोस्तों। एविएशन इंजीनियरिंग का बेटा मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की दोस्तों। तो बेटा हमारे देश में जैसे IITs हैं और भी बहुत सारे कॉलेज हैं दोस्तों, लेकिन एविएशन इंजीनियरिंग भारत में अभी उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई है। आजकल भारत के बच्चे बेटा जो बीटेक करते हैं वो कहां कहां करते हैं, CS में कर लिया, IT में कर लिया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। बट दोस्तों हमारे देश में जो एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग है उसके बड़े कम कॉलेज हैं। हालांकि ये काफी अच्छा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है बेटा, क्योंकि दोस्तों इंडिया में डे बाय डे दोस्तों सिविल एविएशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स होने बहुत जरूरी है दोस्तों भविष्य के लिए दोस्तों। हाँ देखिए भाई, तो बेटा हम ये क्यों बात कर रहे हैं आपसे, देखिए तो बेटा एयरबस जानते हैं बेटा आप लोग दोस्तों, एयरबस गाइस दोस्तों, एयरबस पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों। इसका मेन हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। तो एयरबस कंपनी बेटा यूरोप कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी गाइस जो क्या बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है दोस्तों। एयरबस और IIT कानपुर इनके बीच में गाइस एग्रीमेंट साइन हुआ है टू प्रमोट द एरोस्पेस एजुकेशन एंड द इनोवेशन इन इंडिया दोस्तों। ठीक है, तो एयरबस कंपनी गाइस और IIT कानपुर बेटा इनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि भारत में दोस्तों जो ये एरोस्पेस सेक्टर है उसमें गाइस एजुकेशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। समझ गया मेरा पॉइंट, आगे बढ़ते देखिए दोस्तों। तो एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, तो बेटा IIT कानपुर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपका एयरबस कंपनी के बारे में बेटा, तो भाई कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो एयरबस है वो भारत में दोस्तों एरोस्पेस इंजीनियरिंग को बढ़ावा देगा, अपने फैकल्टीज बेटा भेजेगा, स्टूडेंट को बेटा वहां ले जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये सब टाइप यहां पे बेटा हुए हैं। तो IIT कानपुर और एयरबस इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि भारत में एरोस्पेस सेक्टर में बेटा इनोवेशन और एजुकेशन बढ़े। सिंपल सा पॉइंट है बस, क्लियर दोस्तों, देख लीजिए आप एक बार। IIT कानपुर और एयरबस की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग बहुत आराम से, और इसमें कुछ टफ है ही नहीं गाइस दोस्तों। आपका आदेश हो, आगे बढ़े, एक बार प्लस वन कर देना, हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे भाई लोग, और अब बात करेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि नेशनल लेवल की इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों। अब बेटा इन्फॉर्मेशन क्या देखिए दोस्तों, तो बेटा इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए, यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जिट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या, इसका बेटा मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जो हमारा मालिकाना हक है
ऑन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी पर, वो हम छोड़ देंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे हम छोड़ेंगे। इसका बेटा मतलब क्या हुआ बोलेंगे? देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी बेटा हमारे देश में एक सरकारी कंपनी थी जो बेसिकली जिंक को बेटा माइनिंग करती थी, ठीक है। फिर बेटा क्या हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट को लगा कि ये कंपनी जो है ये कंपनी लॉस में जा रही है, तो बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना मेजॉरिटी ऑफ शेयर करीब 64% ये बेटा बेच दिया था वेदांता कंपनी को। फिर समझ लो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हमारी सरकारी कंपनी थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो ऑनरशिप है वो बेटा बेच दिया वेदांता को करीब 64% शेयर दोस्तों, यानी गाइस बाकी शेयर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अब दोस्तों कौन क्या बोल रही है कि जो हमारा शेयर और बचा हुआ है हम वो भी बेच के निकल जाएंगे, वेदांता को ही बचेंगे, लेकिन एक साथ नहीं बचेंगे, धीरे धीरे बचेंगे, ठीक है। अब बेटा ये क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए दोस्तों यहां बेटा हम क्या बोल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बेटा क्या बोला, इज गियरिंग अप टू सेल इट्स रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग यानी बचा हुआ, रिमेनिंग स्टेक इसका मतलब बेटा शेयर होता है, इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक। गाइस किसको बेटा बेचेंगे, तो किसको बेचेंगे बेटा, देखो वेदांता को बेचेंगे, ठीक। गाइस क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ वेदांता, यानी बेटा क्या बोला गया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि वेदांता के अंडर में काम करती है। ऐसे कैसे बेटा बोल दिया, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी होगी ध्यान से, मैंने बेटा क्या बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की मेजॉरिटी ऑफ शेयर दोस्तों, तो बेटा मेजॉरिटी का मतलब मैंने क्या बोला था कि वेदांता कंपनी के पास बेटा 64% शेयर है, यानी मालिक वो है ना बेटा, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बेटा आज जो है वो किसके अंडर में है, वेदांता, क्योंकि 64% शेयर उनके पास है भाई। तो वही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि वेदांता की सब्सिडियरी है, मतलब सहायक कंपनी है, हम उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है, इन स्मॉलर ट्रांचेस, मतलब धीरे धीरे बेटा किस्तों में, हाँ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड एमिंग टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू दोस्तों। इसका बेटा मतलब गवर्नमेंट कह रही है भाई कि जब तक हम इस कंपनी में हैं तब तक क्या है, इस कंपनी का भाव बढ़ेगा, तो अभी हम कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे शेयर बेचेंगे और निकलेंगे दोस्तों यहां से। तो ये हमारी गवर्नमेंट कहना है, तो पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझ लो फिर से एक बार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है दोस्तों कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि वेदांता की सब्सिडियरी है, उसमें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट शेयर का है वो हम धीरे धीरे बेच के निकलेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे। अच्छा और बेटा क्या बोला गया, देखिए दोस्तों और क्या बोला गया, देखिए द रेसिड्यूअल स्टेक इज वैल्यूड एट अप्रोक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपीज एट करेंट मार्केट प्राइस दोस्तों। इसका बेटा मतलब यानी दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है आज के टाइम पर इसकी वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए, यानी सरकार अगर ये शेयर बेच दे तो गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ यहां से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्या बात है बेटा इसमें, और कोई पॉइंट दोस्तों, दो प्रेजेंटली वेदांता लिमिटेड होल्ड 64.92% शेयर इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो मैं बोल रहा था बेटा ये भाई आज के टाइम पर जो वेदांता ग्रुप बेटा है इसके 64.92% शेयर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, यानी गाइस जो बाकी बचा गवर्नमेंट का बेटा होगा इसका मतलब, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे, तो सरकार क्या बोल रही है दोस्तों कि हम बेच देंगे, पूरा प्राइवेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से एक बार देखिए, तो बेटा फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन देख लीजिए क्या इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो गाइस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि वेदांता की सब्सिडियरी है, उसमें जो हमारे बाकी शेयर हैं उसे हम एक साथ नहीं बेचेंगे, हम धीरे धीरे बेचेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि जब दुनिया को खबर बेटा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना शेयर बेच रही है, तो भाई क्या मिल जाएगा, डिमांड बढ़ेगी दोस्तों, और बेटा डिमांड बढ़ने से कंपनी की वैल्यूएशन क्या बढ़ जाएगी भाई, अगर डिमांड बढ़ेगी दोस्तों तो कंपनी की वैल्यूएशन क्या बढ़ जाएगी बेटा। फिर बेटा क्या बोला गया कि आज के टाइम पे वेदांता कंपनी का हिंदुस्तान जिंक में 64.92% शेयर है, और जो बाकी रिमेनिंग शेयर है बेटा गवर्नमेंट का है, और इसकी वैल्यू है 40,000 करोड़ रुपए। तो एक पॉइंट हमने आपको समझा दी, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर दोस्तों हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल न्यूज की दोस्तों, हम श्रीलंका की बात करेंगे बेटा। हाँ श्रीलंका दोस्तों, सो गाइस श्रीलंका एक ऐसा देश है
जिसकी जीडीपी का बेटा मोर देन 60% पैसा आता है फ्रॉम द टूरिज्म। यानी कि श्रीलंका ने कुछ किया ही नहीं, श्रीलंका ने अपना जो पैसा खर्च किया बेटा वो खर्च किया टू इंप्रूव इट्स टूरिज्म इकोसिस्टम दोस्तों। ठीक है, COVID-19 के बेटा बात क्या हुआ, श्रीलंका का बेटा सेक्टर काफी खराब तबाह हो गया था और श्रीलंका में दोस्तों भुखमरी फैल गई थी, बताइए आपको। यानी गाइस श्रीलंका जो है ये अपने टूरिस्ट पर कितना डिपेंड करता है, इनको बताया बेटा। तो बेटा COVID-19 के बाद श्रीलंका बेटा वो पेस आ नहीं रहा है, वो स्पीड आ नहीं रही है टूरिज्म की दोस्तों। तो बेटा क्या हुआ देखिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो श्रीलंका ऑफर फ्री वीजा टू इंडियन टू रिवाइव टूरिस्ट दोस्तों। तो भाई कहने का मतलब कि अगर आपके पास वीजा नहीं भी है ना तो आप श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा बेटा क्यों हुआ है, क्योंकि श्रीलंका चाहता है कि वहां का टूरिज्म जो है वापस वो ट्रैक पर आ जाए। ठीक है, तो श्रीलंका ऑफर फ्री वीजा टू इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म। और ये केवल इंडिया की बात नहीं, और भी देश है गाइस, हम उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन गाइस रखिए। तो श्रीलंका कैबिनेट अप्रूव द इशूइंग फ्री टूरिस्ट वीजा टू विजिटर्स फ्रॉम द 7 कंट्री दोस्तों। हाँ, तो केवल इंडिया की बात नहीं हो रही। तो बेटा श्रीलंका ने क्या किया बेटा, इसने 7 देशों के लिए, इसने 7 कंट्री के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा बेटा लॉन्च कर दिया, जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, रशिया है, जापान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया और मलेशिया दोस्तों। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, रशिया, इंडिया एंड चाइना गाइस। तो बेटा श्रीलंका कैबिनेट ने 7 देशों के लिए, तो 7 देशों के लिए बेटा क्या किया, वीजा फ्री कर दिया टूरिस्ट के लिए दोस्तों। यानी अगर आप इन 7 देशों से के निवासी हो दोस्तों तो आप विदाउट वीजा श्रीलंका में एंट्री कर सकते हैं घूमने के लिए दोस्तों। हाँ, और बेटा क्या बोला गया देखिए दोस्तों, और क्या बोला गया, दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट दैट विल लास्ट अंटिल March 31, 24 बेटा। इसका बेटा मतलब ये केवल एक्सपेरिमेंट, मतलब थोड़े समय के लिए, और ये जो स्कीम है 31 मार्च 24 में खत्म हो जाएगी दोस्तों। यानी उसके पहले पहले आप लोग श्रीलंका जा सकते हैं। हरीश देख लो भाई, श्रीलंका बढ़िया जगह है, घूमाओ, तुम्हारा तो मन करता होगा घूमने का। द फ्री टूरिस्ट वीजा विल बी अवेलेबल टू विजिटर्स हु आर स्टेइंग इन श्रीलंका फॉर अप टू 30 डेज बेटा। इसका मतलब दोस्तों कि आप फ्री वीजा के साथ श्रीलंका में मैक्सिमम 30 दिन रह सकते हैं, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन के लिए फ्री है बेटा ये आपके लिए। तो देख लीजिए आप लोग, किसी को घूमने का मन हो जा सकता है वो श्रीलंका घूमने के लिए। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन बाकी सही। तो भाई श्रीलंका कैबिनेट ने दुनिया के 7 देशों के लिए अपने देश का वीजा फ्री कर दिया फॉर द टूरिज्म। ये 7 देश कौन से थे भाई, इंडिया है, चाइना है, रशिया है दोस्तों, जापान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया दोस्तों। फिर बेटा क्या बोला गया है कि ये जो वीजा फैसिलिटी है ये 31 मार्च 24 तक रहेगी, और 30 दिन तक बेटा विदाउट वीजा आप श्रीलंका में रह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई लोग। तो यहां पे गाइस हमने इंफॉर्मेशन दी है, क्या सर जॉब नहीं है? अरे गायत्री जी, घूमने के लिए जॉब थोड़ी चाहिए होता है, घूमने के लिए एक बैग चाहिए होता है, कुछ पैसे ही होते हैं, बस घूमिए अपना आराम से। ठीक, घूमने के लिए थोड़ी ना बोला गया आप बैंक पीओ बने तभी घूमिए आप, ऐसा थोड़ी ना बोला गया। जॉब लेकर जाएंगे 31 मार्च 24 तक बेटा है बस, उसके बाद फिर नहीं है, फिर वीजा लेना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ सर आप घूमाओ, हाँ हम घुमाएंगे तो पढ़ाए कौन आपको, जब हम घूमने चले जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, फिर आप क्या बोलेंगे सर यू लॉस्ट योर रिस्पेक्ट, सर यू लॉस्ट योर डिग्निटी, आप छोड़ चले गए हमें, आप बेकार इंसान है, यही बोलेंगे आप लोग, इससे चल जॉय मत कोई। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन श्रीलंका दोस्तों। तो श्रीलंका कैपिटल क्या बेटा, कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, करेंसी या बेटे रुपी चलती श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंघे और पीएम है दिनेश गुनावर्धन है दोस्तों। ठीक, तो ये श्रीलंका के बारे में स्टडी जे की बात हम कर रहे थे। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। देखिए गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बेटा स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों फिर से एक बार, मैक्स वेस्टर्पन दोस्तों। मैक्स वेस्टर्पन ने बेटा अपने करियर की 50वीं जीत बेटा हासिल की, और इस बार US ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, अभी ये सीजन खत्म नहीं हुआ है, 2023-24 का सीजन जो था बेटा अभी खत्म नहीं हुआ था, US ग्रैंड प्रिक्स बाकी था बेटा दोस्तों। तो बेटा मैक्स वेस्टर्पन ने सीजन 23-24 के लिए US फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया बेटा, और ये मैक्स की दोस्तों 50वीं जीत थी पूरी ओवरऑल, और इस सीजन की 15वीं जीत दोस्तों।
ठीक है, तो ध्यान से सुनो पूरी बात गाइस। हम बेटा क्या बात करें, तो मैक्स वेरस्टैपेन ने बेटा अपने पूरे करियर की 50वीं जीत बेटा हासिल कर ली है ऑफ इस फॉर्मूला वन करियर एंड रिकॉर्ड इक्विलिंग 15th ऑफ द सीजन एट द 23 यूएस ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि बेटा मैक्स वेरस्टैपेन ने 2023 सीजन में बेटा यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीत गया बेटा, ठीक, और अपने फॉर्मूला वन करियर की 50वीं जीत बेटा हासिल की है और सीजन की रिकॉर्ड 15वीं जीत हासिल की बेटा, यानी इस सीजन की 15वीं और ओवरऑल 50वीं दोस्तों यूएस ग्रैंड प्रिक्स की बेटा हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या बोला गया। तो ही इज नाउ द फिफ्थ ड्राइवर टू विन द 50 रेसेस इन द स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन वेटल, एलेन प्रोस्ट एंड लुइस हैमिल्टन। दोस्तों इसका बेटा मतलब, इसका मतलब गाइस कि ये पांचवें ड्राइवर बेटा बन गए जिन्होंने फार्मूला वन में 50 रेस जीते हैं। इसके पहले माइकल शूमाकर और दोस्तों सेबेस्टियन वेटल और एलेन प्रोस्ट और लुइस हैमिल्टन ने कारनामा कर चुके हैं। तो ये पांचवें ड्राइवर हैं जिन्होंने फार्मूला वन कार रेस में 50 जीत हासिल किए दोस्तों। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी आपके सामने गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स है, तो ये आपको हम रिवीजन दिखा रहे हैं कि भाई देखो अभी रिसेंटली में इतने इवेंट हुए और बेटा कौन जीता, तो बस आप देखो सारे में मैक्स ही है, बस एक कार्लोस साइंस में बीच में आए थे, ठीक है। तो यूएस ग्रैंड प्रिक्स की बात हम कर रहे थे आपके सामने इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स में हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको पढ़ाया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे भाई लोग और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की दोस्तों, हमारी आज की दूसरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों। बेटा क्या बोला गया देखिए दोस्तों, बोला गया है बैडमिंटन। तो इंडिया की बेटा उन्नति हुड्डा जो है ये विन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द आबू धाबी मास्टर्स 2023, ठीक है। तो बेटा आबू धाबी मास्टर्स 2023 की बेटा हम बात कर रहे हैं, आबू धाबी मास्टर्स 2023 ये दोस्तों बैडमिंटन का कॉम्पिटिशन था जहां पे गाइस फीमेल सिंगल की बात करें तो भारत की उन्नति हुड्डा बेटा ये जीती है बैडमिंटन आबू धाबी मास्टर्स टूर्नामेंट। भारत की उन्नति हुड्डा बेटा इन्होंने फीमेल वुमेन सिंगल जीत लिया दोस्तों। अब बेटा क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन यहां पे देखिए दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इंडिया की बेटा उन्नति हुड्डा जो है वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द आबू धाबी मास्टर्स 23 बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड एट द आबू धाबी यूएई दोस्तों। हाँ तो बेटा आबू धाबी मास्टर्स 2023 ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जहां बेटा भारत की उन्नति हुड्डा ने फीमेल सिंगल का खिताब जीता दोस्तों। अब एक काम कीजिए आप केवल ये देखिए जो मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखो यहां पे ये गाइस, ठीक है। तो विनर ऑफ द आबू धाबी मास्टर्स गाइस, तो मैन सिंगल भाई विन बाय द मिस्टर मैट्स क्रिस्टोफरसन डेनमार्क के बेटा खिलाड़ी है दोस्तों। वुमेन सिंगल वन बाय द उन्नति हुड्डा इंडिया से बेटा बिलोंग करती हैं। इसके बाद गाइस एक बात और है वुमेन्स डबल दोस्तों, ठीक है। ये बेटा क्या है ये भी भारत की दोस्तों अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रिस्टो बेटा इनकी टीम ने जीता है दोस्तों। तो आपको ये तीन इंफॉर्मेशन पढ़नी है, मैन सिंगल वन बाय द मैट्स क्रिस्टोफरसन डेनमार्क के हैं, वुमेन सिंगल बेटा वन बाय द उन्नति हुड्डा इंडिया से हैं, वुमेन डबल गाइस अश्विनी पोनप्पा एंड द तनिषा क्रिस्टो ये पढ़ देना बस दोस्तों, इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आबू धाबी मास्टर्स 2023 की हम बात कर रहे हैं, मेल मतलब ये मैन सिंगल वुमेन सिंगल एंड वुमेन डबल्स दोस्तों तीन पॉइंट पढ़ दीजिएगा, बाकी सब छोड़ देना, कोई इसमें और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो गाइस यहां पे इन्फॉर्मेशन हमने आपको पढ़ाई बेटा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर की दोस्तों। तो बेटा अवार्ड एंड ऑनर में हमारे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा क्या बात हो रही दोस्तों। बोले आठवां दोस्तों, तो बेटा क्या बोला गया आठवां WIFE यानी कि ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कुछ है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं आठवां WIFE फिर ट्राई से बोला गया। तो ICAI रिसीव द दोस्तों ICAR ऑनर्स 23 फ्रॉम द अंकटाइट दोस्तों। अच्छा ध्यान से, हाँ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहां का इस बात हो रही अंकटाइट की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन गाइस है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है दोस्तों। तो ये यूएन की बॉडी है बेटा अंकटाइट जेनेवा दोस्तों। हाँ तो बेटा इसने अवार्ड दिया है कौन सा ISAR ऑनर ISAR, और बेटा ये किसे मिला है, ये मिला बेटा हमारे ICAI को दोस्तों। यानी गाइस यहां पर हम बेटा क्या बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। एक बार देखते हैं गाइस क्या पूरी इंफॉर्मेशन, देखिए दोस्तों क्या बात हो रही है ध्यान से गाइस। हाँ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI हैज बीन अवार्डेड द
ICAR ऑनर 2023 दोस्तों, ठीक है। फिर क्या बेटा बोला गया है, बोला गया है सिक्स एडिशन ऑफ द ICAR ऑनर्स, यहां सिक्स लिखा है यहां एट लिखा है, एक मिनट देखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। तो सिक्स एडिशन ऑफ द ICAR ऑनर बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि दोस्तों अंगटेट ने छठवां ICAR जो ऑनर है बेटा, ये किसे दिया? एंगटेट ने अपना छठवां ICAR अवार्ड दोस्तों किसे दिया? ये बेटा दिया किसे? इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। यानी कि जो अवार्ड दिया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है ISAR, ICAR अवार्ड। छठवां खिताब था बेटा ये, और किसे बेटा मिला? ये मिला भारत की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों। किसने बेटा दिया? एंगटेट ने। तो यहां तक ये इंफॉर्मेशन है। अब आगे बेटा क्या है वो देखते रहो दोस्तों, क्या बेटा बोला गया है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 8th एडिशन दोस्तों, 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम हेल्ड इन द अबू धाबी यूएई दोस्तों। अच्छा गाइस, कहने का मतलब बेटा क्या कि जो सेरेमनी थी वो बेटा कौन सा था? वो था बेटा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, और बेटा इस सेरेमनी का 8वां एडिशन था। तो इस सेरेमनी में दोस्तों अंगटेट ने अपना छठवां ISAR अवार्ड दिया है किसको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। ये मेन मुद्दा है दोस्तों। हाँ, और बेटा ये अबू धाबी में हुआ, यूएई में, और इसकी थीम भी थी, ये इवेंट थीम इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो ये इवेंट हुआ ना, ये वाला 8वां वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेटा इसकी थीम थी दोस्तों। हाँ, तो अब पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान समझ लो, क्या बेटा बात हम कर रहे हैं यहां पे दोस्तों, फिर समझ लो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनको छठवां ISAR अवार्ड मिला है, ISAR अवार्ड। किसने बेटा दिया? अंगटेट ने दिया है। कहां पे दिया बेटा? तो 8वां वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम जो कि अबू धाबी में दोस्तों हुआ, यूएई में, वहां दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। अब इस 8वें एडिशन की सेरेमनी का थीम क्या बेटा? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पे गाइस हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी जो हमने आपको दिखाई दोस्तों। आई होप गाइस की इंफॉर्मेशन क्लियर है बेटा आप लोग को, ठीक है। अच्छा, और बेटा क्या बोला गया? ISAR ऑनर सेरेमनी 23 सेलिब्रेटेड द 6th एनिवर्सरी सिंस, क्या मैंने बोला था, 6वां एडिशन दोस्तों। तो बेटा क्या बोला गया, जो ये ISAR अवार्ड है बेटा, ये इसकी स्टार्टिंग 2018 से हुई है, और इस बार ये 6वां एडिशन था अवार्ड का, तो आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हमने ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट की अबाउट द अवार्ड्स एंड ऑनर गाइस। हां दोस्तों, रिसेंट अवार्ड की बात करें गाइस, देखिए फॉर एग्जांपल, तो यूरोपियन यूनियन का बेटा क्या है? सखारोव ह्यूमन राइट अवार्ड दोस्तों। ये बेटा किसे मिला? ये मिला महसा अमीनी को, जो कि बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेटा REC लिमिटेड को बेटा मिला। 32वां सरस्वती सम्मान दोस्तों किसे मिला? शिवशंकर जी को बेटा मिला, ठीक। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन द फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों, ये बेटा किसे मिलेगा? माइकल डगलस को बेटा मिलेगा। गर्ल्स लीडिंग चेंज सेलिब्रेशन एट द व्हाइट हाउस, गीतांजलि राव दोस्तों। हाँ, ये सब हमने पढ़ाया बेटा आपको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई लोग। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दोस्तों। तो बेटा साइंस एंड टेक में हमारे पास आज के लिए पहली इंफॉर्मेशन बेटा क्या दोस्तों, क्या बेटा बोला गया कि जापान बिकम द फर्स्ट कंट्री एवर टू फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन दोस्तों, ठीक है। तो बेटा जापान की नेवी ने अपने एक शिप से पहला ट्रायल फायर ट्रायल किया दोस्तों। दूसरा बोला गया कि टू फायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन दोस्तों, यानी पहली बार किसी देश ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन दोस्तों लॉन्च किया है, इसका फायर किया है दोस्तों। यूएसए ने शुरुआत की थी कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यूज करें डिफेंस में दोस्तों, लेकिन गाइस यूएस ने बहुत पैसा लगाया, बट 2022 बेटा यूएस ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों जापानी लगे रहे, और बेटा फिलहाल जापानियों ने इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बेटा बना दिया। क्या क्या नाम बेटा इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन दोस्तों। मैंने क्या बोला कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार दोस्तों, क्यों बेटा? देखिए सबसे पहली बात दोस्तों क्या कि जो ये रेलगन है दोस्तों, इसको कैसे बेटा यूज किया जाता है बेटा, इसमें जो भी दोस्तों आप बम डालते हो, या फॉर एग्जांपल जो भी, मतलब जैसे मान लो एक मिसाइल है बेटा, वो ये छोड़ेगा बेटा, हाँ, तो बेटा उसकी जो स्पीड है वो साउंड से 7 गुना तेजी से बढ़ा जाएगी। यानी बेटा इसकी जो स्पीड है वो कितनी? वो हाइपरसोनिक है दोस्तों, वो हाइपरसोनिक गाइस है। मतलब गाइस आपको मालूम चला कि कोई देश है जो आपके ऊपर मिसाइल छोड़ने वाला है, जब तक वो मिसाइल छोड़ेगा आप यहां से केवल एक बटन दबा के उसे बर्बाद कर सकते हैं, समझे गाइस। दूसरी बात दोस्तों,
गाइस होता क्या बेटा कि जब हम कुछ लॉन्च करते हैं बेटा, तो हम गन पाउडर लॉन्च करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें मिसाइल लगानी है बेटा या कोई बंदूक चलानी, तो यहां पे दोस्तों थ्रस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, गन पाउडर। लेकिन दोस्तों ये जो रेलगन है ना, यहां पे गाइस गन पाउडर यूज नहीं होता, यहां पर बेटा यूज होता है बिजली का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। सो गाइस ये बड़ा सस्ता है दोस्तों, और ये बड़ा सस्ता है दोस्तों, और मतलब आप समझो गन पाउडर खत्म। अब गाइस बिजली से आप छोड़ रहे हो, गोली छोड़ रहा था समझो आप एक तरह से, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात दोस्तों। हाँ देखो गाइस बेटा क्या बोला गया कि जापान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली फायर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन दोस्तों, अ वेपन दैट यूज मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्च प्रोजेक्टाइल दोस्तों, हाँ, एट हाइपरसोनिक स्पीड दोस्तों। बस समझो, तो बेटा जापान जो है ये दुनिया का फर्स्ट कंट्री बेटा बन गया जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन दोस्तों यूज कर लिया है। अ वेपन दैट यूज मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों, यानी बेटा ये जो वेपन है ना, ये दोस्तों क्या है, यहां पे आप गन पाउडर यूज नहीं करते हो, यहां दोस्तों यूज करते हो आप बिजली यूज करते हो, ठीक। लिखा है टू लॉन्च प्रोजेक्टाइल बेटा, इसका बेटा मतलब क्या दोस्तों, बेटा प्रोजेक्टाइल का मतलब कि जो भी आपको डिवाइस लॉन्च करना है, मतलब गाइस फॉर एग्जांपल देखो ये बेटा इस तरह काम करता है, ये ऐसे है, एक ऐसे है दोस्तों, और फिर गाइस ये कैसे है दोस्तों, ठीक। अब यहां पे गाइस क्या है, मान लो कोई मिसाइल दोस्तों आपने रखी है, ये एक मिसाइल है बेटा, वो बेटा छोड़ते हैं यहां से हम, तो इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। मतलब जो भी चीज आप छोड़ेंगे, अब चाहे दोस्तों वो गोला हो, बारूद हो, कुछ भी हो दोस्तों, इसे बेटा हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं बेटा। तो गाइस क्या बोला गया, यूज द मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्च प्रोजेक्टाइल एट हाइपरसोनिक स्पीड दोस्तों, यानी बेटा इसकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक है, यानी साउंड से भी तेज बेटा इसकी स्पीड रहेगी, मतलब जब मिसाइल छोड़ेंगे ना वो इतनी स्पीड से जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, द टेस्ट फायरिंग टुक प्लेस एट द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याशिरो टेस्ट रेंज दोस्तों, ठीक है। तो बेटा इसका परीक्षण कहां पर हुआ, परीक्षण फायरिंग जापानी रक्षा मंत्रालय के याशिरो दोस्तों, तो याशिरो टेस्ट रेंज बेटा वहां पर यह हुआ। तो इस बेटा रेलगन का जो यूज हुआ वो मतलब परीक्षण कहां पर हुआ, याशिरो टेस्ट रेंज बेटा हुआ जापान के याशिरो टेस्ट रेंज, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर बेटा क्या बोला गया यहां पे, दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन हैव द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज वॉरफेयर एज दे आर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग द प्रोजेक्टाइल एट स्पीड ऑफ द मैक 7 और द 7 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड दोस्तों, यानी गाइस इस रेलगन से जो भी आप छोड़ते हैं मिसाइल, वो गाइस साउंड से भी 7 गुना तेज जाएगी दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब ये पूरे वॉरफेयर को चेंज करने की क्षमता रखता है ये जो इलेक्ट्रिक ये रेलगन है दोस्तों, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको दोस्तों ये हम समझा रहे थे, ठीक है। इस आगे देखिए और बेटा क्या बोला गया इसमें, और कुछ नहीं बोला गया। तो आपके सामने हमने दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन दी, तो जापान दुनिया का फर्स्ट कंट्री बेटा बन गया जापानीज नेवी दोस्तों, जिसने गाइस इलेक्ट्रिक रेलगन का यूज किया, ठीक। और गाइस मतलब मैंने क्या बोला आपसे, इसके अंदर इतना पोटेंशियल बेटा है कि आगे आने टाइम पर यह बेटा पूरे लड़ाई को चेंज कर देगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह बड़ा सस्ता भी है, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी चीज छोड़ने के लिए गन पाउडर नहीं चाहिए, आप बेटा सिंपल सा बिजली से यूज करेंगे बेटा, और जो भी आपको मिसाइल मारनी है मार सकते हैं इससे, जिसकी स्पीड साउंड से भी 7 गुना तेज बेटा होगी, ठीक है। तो जापान की नेवी ने इसका यूज किया अभी दोस्तों, अभी जापान की आर्मी ने नहीं किया है ना, एयरफोर्स ने किया है दोस्तों, एयरफोर्स कर भी शायद नहीं पाएगा, बिकॉज ये दोस्तों काफी लंबा एक डिवाइस होता है, तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे शिप एयरक्राफ्ट में तो नहीं आएगा, हाँ जो जैसे बोइंग C-17 है उसमें आ सकता है दोस्तों, मे भी शायद, हाँ लैंड पर इसका यूज होने वाला भी हुआ नहीं दोस्तों, हाँ। बस आपको ध्यान देना बेटा इसका परीक्षण कहां पर हुआ, तो इसका परीक्षण जापान के याशिरो टेस्ट रेंज में हुआ, तो एक पॉइंट चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहां पे दोस्तों हमने आपको समझा दी बात, आगे बढ़ेंगे भाई लोग, और अब बात करेंगे दोस्तों न्यूज नंबर 2 की। गाइस देखिए न्यूज नंबर 2 दोस्तों, तो ये बेटा हम लोग बात करने वाले हमारे देश के डोमेस्टिक स्पेस सेक्टर की दोस्तों। तो गाइस आप देख रहे हैं यहां पे कि बेटा हमारे देश में आज तक अगर हम बेटा सैटेलाइट की बात करें या इंजन की बात करें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा इसरो की थी दोस्तों। तो बेटा इसरो अब क्या सोच रहा कि भाई हम क्यों करेगा, अब हम बन जाएंगे मेंटोर, और हम हमारे देश में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग इस फील्ड में आओ, आप लोग बेटा इस फील्ड में आओ दोस्तों। तो बेटा देखिए यहां पे, तो स्पेस सेक्टर स्टार्टअप कंपनी बेटा नाम क्या है, स्काई रूट दोस्तों, इन्होंने बेटा अनवील किया है अपना खुद का बनाया हुआ विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों। ये देखिए ये काफी सुंदर है, विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉकेट दोस्तों,
बेटा रॉकेट मतलब क्या होता है गाइस, दोस्तों आपको पता है, अगर हमें कोई सेटेलाइट लॉन्च करना है दोस्तों, मतलब पृथ्वी के बाहर दोस्तों, तो भाई जो पृथ्वी का बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बेटा पार जाने के लिए हमें नीड होती है बेटा रॉकेट की, होती है दोस्तों, होती है ना भाई। सेटेलाइट बनाना एक टास्क है, बट सेटेलाइट को बेटा अंतरिक्ष में ले जाओगे आप, उसके लिए बेटा आपके पास अपना रॉकेट इंजन होना चाहिए दोस्तों, वही बात हो रही है यहां पे। तो बेटा हमारे देश की स्टार्टअप कंपनी है स्काईरूट, इसने अपना रॉकेट दोस्तों बना भी लिया है, जिसका बेटा नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों, ठीक है गाइस। तो रॉकेट बेटा मतलब क्या है वो आपको हम समझा रहे हैं, व्हाट इज डूइंग रॉकेट दोस्तों, ठीक है आगे देखिए गाइस। अब बेटा यहां क्या बात हो रही है देखिए, तो स्काई रूट एरोस्पेस इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स इंडिजीनियसली बिल्ट विक्रम 1 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट इन द अर्ली 24 बेटा। इसका बेटा मतलब क्या है, इसका बेटा मतलब स्काई रूट बेटा एरोस्पेस ने अपना रॉकेट बेटा डिजाइन कर लिया है, प्रॉपर रेडी कर लिया है, जिसका नाम विक्रम 1 दोस्तों है, और इनको बेटा लगता ये है कि मतलब 24 में बेटा क्या है कि ये अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे दोस्तों। ये रॉकेट बेटा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए होगा दोस्तों, ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट के लिए दोस्तों होगा, ठीक है। अच्छा आगे बेटा बढ़िए, तो बेटा कहो कि विक्रम 1 किसका रॉकेट है बेटा, तो स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट है दोस्तों। हाँ आगे बढ़िए देखिए बेटा क्या बोला गया, द रॉकेट इज नेम आफ्टर द विक्रम साराभाई द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो बेटा इस रॉकेट बेटा नाम किस पर पड़ा है, तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर पड़ा है दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों और क्या बोला गया बेटा, क्या बोला गया दो ये है दोस्तों कि आपका यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, तो बेटा जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है ये बेसिकली तीन तरह के बेटा रॉकेट पे काम कर रही है, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। हालांकि 2-3 अभी आया नहीं है दोस्तों, 2 और 3 अभी कल्पना में दोस्तों हैं। तो बेटा विक्रम 1 जो है दोस्तों उसको बेटा डेवलप कर दिया गया है 480 kg to 500 kilometer लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा आगे लिखा है मेरे ख्याल से और अच्छे से लिखा है, रुके दोस्तों यहां पढ़ते हैं, द लॉन्च ऑफ विक्रम 1 विल बी अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियाज प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर दोस्तों। इसका बेटा मतलब विक्रम 1 का बेटा जैसे ही लॉन्च होगा तो ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए बेटा काफी मतलब बड़ा कदम होगा दोस्तों। हाँ इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन रॉकेट टू लॉन्च टू एलियो बेटा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट दोस्तों। इसका मतलब कि पहली बार दोस्तों कोई प्राइवेट कंपनी भारत से लो अर्थ ऑर्बिट में कोई रॉकेट लॉन्च करेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बस केवल वो बात हो रही है बेटा कि भाई ये बड़ा कदम है दोस्तों इंडियन प्राइवेट कंपनीज के लिए, पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी अपना ये लॉन्च करके बेटा ये रॉकेट दोस्तों। अब देखिए अब आगे अबाउट द विक्रम 1 दोस्तों, तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखिए विक्रम 1 इज अ 3-stage रॉकेट विथ अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ द अराउंड 300 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये है कि विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों, विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों ये 300 केजी का भार उठाकर लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है दोस्तों, और ये 3-stage रॉकेट है दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या होता है, ये 3-stage का बेटा मतलब क्या होता है दोस्तों, वो सिंपल सी बात है, अगर बेटा आपने कभी इसरो को या नासा को बेटा सेटेलाइट लॉन्च करते बेटा देखा होगा, तो मैं देखा होगा बेटा क्या कि बेटा पहले क्या होता है सेटेलाइट ऊपर जाती है बेटा, फिर दोस्तों क्या होता है कि कुछ जो रॉकेट होते हैं वो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर वो और से ऊपर जाती है बेटा, फिर कुछ और निकलते हैं दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या, देखिए मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों क्या बेटा बोला गया, द फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम 1 इज पावर्ड बाय द 4 कलाम 1200 इंजन बेटा, ठीक है। यानी कलाम इंजन भी इन्हीं का है दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि जब पहला स्टेप आएगा ना बूम वाला, तो उसमें बेटा क्या है 4 कलाम 1200 इंजन दोस्तों, 4 मतलब 4, ये 4 इंजन है, इनका नाम कलाम 1200 है। हाँ तो 4 किलोमीटर इंजन जो है ये दोस्तों जनरेट करते हैं पीक थ्रस्ट ऑफ 120 टन दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब क्या कि पहले स्टेप में जो पावर बेटा मिलती है कहां से मिलती है, कलाम इंजन से, कलाम 1200 इंजन, ये 4 इंजन बेटा लगे होते हैं पहले स्टेप में। हाँ दो, द सेकंड स्टेज इज पावर्ड बाई अ सिंगल रमन इंजन दोस्तों, यानी भाई रमन भी इन्हीं का इंजन है दोस्तों, ठीक। तो बेटा एक सिंगल रमन इंजन है बेटा जो विच जनरेट अ पीक थ्रस्ट ऑफ द 3.4 kN दोस्तों। ये सब पढ़ना नहीं आपको इतना स्पीड का, 3.4 kN मैंने बोला, बस आप समझ लो क्या मैं समझा रहा हूं। कलाम इंजन भी इन्हीं का है बेटा, रमन इंजन भी इन्हीं का है दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये हो गया बेटा, एंड थर्ड स्टेज में फिर से बेटा एक रमन इंजन लगा होता है और दोस्तों, यानी भाई कहने का मतलब जो ये रॉकेट है बेटा ना रॉकेट, ठीक है,
तो बेटा इसमें पहले कलाम इंजन लगा होता है, पहले वो पावर हो देता है बेटा। जब ये खत्म हो जाएगा बेटा तो सिंगल एक रमन इंजन, जब ये बेटा खत्म हो जाएगा तो फिर सिंगल रमन इंजन बेटा। तो इस तरह थ्रस्ट देते रहते हैं ताकि ऊपर जाए दोस्तों। तो ये हम थोड़ा बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके एग्जाम में कहीं भी सुनिए आप, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा, ये रॉकेट बेटा विक्रम रॉकेट, रमन इंजन, कलाम इंजन, ठीक है। तो आपको मालूम रहा हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, ये सब कुछ बेटा क्या है, स्काईरूट कंपनी का है, इनका अपना दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए ठीक है, तो समझ लीजिए। तो बेटा पहले स्टेप में क्या होगा, जो कलाम इंजन है वो अलग हो जाएंगे बेटा चार, और चार होते हैं तो देखा भी आपने। फिर बेटा सेकंड स्टेज में एक रमन इंजन होगा वो बेटा अलग हो जाएगा, और बेटा थर्ड स्टेज में फिर से एक रमन इंजन होगा वो अलग हो जाएगा बेटा, और ये पहुंचा देगा लोअर ऑर्बिट में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे थे बेटा, देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डेज की दोस्तों। यूनाइटेड नेशन डे ये 24 अक्टूबर बेटा सेलिब्रेट किया गया, ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ दोस्तों, तो बेटा 24 अक्टूबर को हम सबने क्या मनाया, 78th यूनाइटेड नेशन डे दोस्तों सेलिब्रेट किया हमने। 24 अक्टूबर को हम लोगों ने 78th यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया। इसकी थीम भी बेटा, थीम क्या है, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम आएगी बेटा। 78th यूएन डे दोस्तों, कब दोस्तों, 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। हाँ, यहां पे गाइस डेज की लिस्ट है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ गाइस, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे स्टेट लेवल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। देखिए यहां पे दोस्तों क्या बोला गया गाइस, तो बेटा यहां बोला गया कि बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब बिकम द सेकेंड ट्राइब टू गेट हैबिटेट राइट इन द छत्तीसगढ़ दोस्तों। ध्यान सुना मेरी बात दोस्तों, बैगा जनजाति बेटा जो है ये छत्तीसगढ़ में बेटा दूसरी, ठीक, दूसरी बेटा जनजाति बन गई है जिसको कि पर्यावास का अधिकार दोस्तों मिल गया है। ध्यान सुनेगा, बैगा ट्राइबल कम्युनिटी बेटा एक है, ये छत्तीसगढ़ में बेटा दूसरी कम्युनिटी बन गई है जिसे बेटा क्या मिल गया है, जिसे दोस्तों हैबिटेट राइट मिल गया है दोस्तों, यानी आपका अधिकार है स्टेट में रहने का, बेसिकली कहां पे, जंगल में दोस्तों। एक्चुअली ऐसा को बताया कि हमारे देश में जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बेटा, तो वहां के जो लोग हैं उनको हटा दिया था दोस्तों। जब भी हम लोग इस बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, तो वहां बेटा जो मतलब पुराने टाइम से जो लोग बेटा रहते हैं उनको हटा दिया जाता है दोस्तों। तो बेटा बैगा कम्युनिटी बेटा ये छत्तीसगढ़ की बेटा दूसरी कम्युनिटी बन गई है जिसे अब वहां के लोग हटा नहीं पाएंगे, इन्हें रहने का अधिकार दोस्तों मिल गया, ठीक है। सुनना बहुत पूरी बात मैं यहां दो गाइस क्या बात कर रहे हैं, तो बैगा क्लासिफाइड एज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड द हैबिटेट राइट अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 दोस्तों। हाँ ठीक, तो बेटा क्या बोला गया कि बैगा जो कम्युनिटी बेटा है, जो बेसिकली मतलब काफी कमजोर जनजाति ग्रुप है दोस्तों, तो बेटा इसको छत्तीसगढ़ में दोस्तों मिला है, इनको हैबिटेट राइट मिल गया है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 दोस्तों। यानी गाइस ये जंगल में रह सकते हैं, इनको अधिकार बेटा मिला है, क्योंकि ये बड़ी ओल्ड कम्युनिटी है दोस्तों, बैगा कम्युनिटी गाइस। हां आगे देखिए दोस्तों क्या बोला गया, क्या बोला गया, विद दिस बैगा हैज बिकम द सेकंड ट्राइबल ग्रुप आफ्टर द कामर टू गेट हैबिटेट राइट इन द छत्तीसगढ़ दोस्तों। बेटा क्या बोला गया, इसके साथ ही बैगा जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास अधिकार पाने वाले कमार की बात दूसरी आदिवासी बेटा बन गया, ठीक है। अब से भाई सिंपल सी बात है भाई, एक ग्रुप है दोस्तों वो कई सालों से जंगल में रह रहा है बेटा, हालांकि इनके ऊपर वो है दिक्कत है, इनको दिक्कत होती है, इनके ऊपर जंगली जानवर बेटा हमला करते रहते हैं, बट चूंकि तो वहां पर रहते हैं बेटा तो आदि हो गए हैं। अब सरकार बेटा जब भी क्या करती है कंजर्वेशन, इन्हें हटा देती है बेटा, तो इन्हें अब कोई हटा नहीं पाएगा दोस्तों। तो पहली कम्युनिटी कमार है, दूसरी बैगा है दोस्तों, जिन्हें वहां पे रहने का अधिकार मिल गया गाइस, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गाइस, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, छत्तीसगढ़ बेटा कैपिटल रायपुर, सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक, और नेशनल पार्क बेटा तीन है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कैंगर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क बेटा। कैसे याद करोगे, इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा, कहां पर, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा, इंद्रावती
कैंगर घाटी और गुरु घासीदास शर्मा बेटा कहाँ पे हैं देख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, बेटा आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी बेटा। दोस्तों सेव अप टू 50% ऑन द बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन। दोस्तों इसका मतलब गाइस ये है कि आपको दोस्तों 28 अक्टूबर तक अनअकैडमी की तरफ से एक क्या मिल रहा है दोस्तों, टारगेट बैंक एग्जाम 2024 दोस्तों। यानी भाई लोग ऐसे बच्चे जो कि 24 को बेटा कर रहे हैं टारगेट, तो आपको दोस्तों अनअकैडमी का 12 महीने का पूरा कोर्स गाइस मिल रहा है 2499 यानी 2499 में दोस्तों पूरे एक साल का अनअकैडमी कोर्स दोस्तों। और इसके लिए आपको कोड लगाना बेटा कौन सा हमारा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे गाइस हमारा कोड क्या है AVP। इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का और आपकी फीस बेटा ये हो जाएगी 2499। ऑफर आपका वैलिड है केवल अक्टूबर 28 तक दोस्तों। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सीधे लिंक पर जाइए क्लिक कीजिए और सीधे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि दो बच्चे 24 का एग्जाम कर रहे हैं टारगेट, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच गाइस आप लोग क्लास में आए। अगर आपको इसका MCQs करना है तो रात में 9:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल में हमारी क्लास होती है दोस्तों, उस क्लास में आप आएंगे, क्लास देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, आपका प्रॉपर रिवीजन दोस्तों हो जाएगा। ठीक है चलिए, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़े आगे बढ़े और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें दोस्तों। आपका दिन मंगल। थैंक यू सो मच।